तो माफी देने का तरीका तो ये है कि जो लोग गलत काम करके वहां आ जाते हैं और दुखों से जूझ जाते हैं, तो जब उनको कोई रास्ता नहीं मिलता तो वहाँ आके माफ़ी लेने आते हैं कि आप हमें माफ़ कर दो। किस तरीके से देते हैं वो? बस आशीर्वाद देते हैं और ये कहते हैं कि हम भगवान से दुआ करेंगे। कभी नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट है थोड़ा स्वागत है, थोड़ा लेके चलते हैं लोगों के बीच का की मनना है अज उन्होंने सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंह जिंसा के बारे में। नमस्कार। नमस्कार, द फैक्ट है में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? सुनीता रानी। सुनीता रानी जी, डेरा सच्चा सौदा को कब से जानते हो आप? तकरीबन 20 साल से। 20 साल से जानते हैं। कैसा माहौल देखा है आपने डेरा सच्चा सौदा? काफ़ी अच्छा है, जैसे कि अपने घर पे बैठे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। वहाँ पर जो काफ़ी बातें वहाँ के बारे में फैलाई गई थी बेटियों को लेकर, उसके बारे में क्या कहो? वो तो सरासर झूठ है। उसके बारे में ये तो उनका काम है जो पैसा वगैरह ऐसे सोचते हैं कि बेईमानी का काम करते हैं, कि बेईमाना जैसे जिसने पैसा ले लिया वो लोग झूठ बोलते हैं। फिर असलियत क्या है, असली में डेरा सच्चा सौदा क्या है? असलियत में तो डेरा सच्चा सौदा गुरु घर है, जहाँ हमें ज़िंदगी मिलती है, जहाँ हमें गुरु जी ने हमेशा ये सिखाया है कि अपने घर परिवार को कैसे चलाना है, कैसे आगे की तरक्की पानी है। तो सेवा करनी, पर हित परमार्थ करना, खूनदान करना, और ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। और बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, अच्छी से अच्छी परवरिश कैसे दे पाएँ, बड़ों की सेवा कैसे करें, ये सब चीज़ें हमें गुरु जी ने ही सिखाई हैं। समाज के लिए क्या योगदान है? समाज के लिए समाज सुधारना, ब्लड डोनेशन कैंप, पौधारोपण, ये सब प्रकृति को चेंज करने के लिए किया गया कि बुराई ख़त्म हो जाए, झूठ ख़त्म हो जाए और सच सामने आ जाए। इस चीज़ की शिक्षा देते हैं, इसलिए देते हैं कि जो लोग इन बातों को नहीं समझते वो समझ सकें। ये लाखों करोड़ों लोग जो सत्संग में आते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं? वो तो सरासर झूठ ही है, वो तो बिकाऊ टट्टुओं का काम है। जिन लोगों ने पैसे की सोच रखी है ये उन लोगों के झूठे आरोप है। आपको ऐसा क्यों लगता है? हमें ऐसा ये लगता है क्योंकि हम पिछले 20 साल से 15 साल से सिरसा जाते हैं, सेवा करते हैं, वहाँ रहते हैं। हमारी पूरी फैमिली 3 पुश्तों से वहाँ से जुड़ी हुई है, तो हमें इस चीज़ का हमें पूरा भरोसा है। हम कभी आप लोगों ने वहाँ ऐसा फील नहीं किया? नहीं, जो मीडिया में दिखाया गया था वहाँ, नहीं वो सब झूठ है, वो सब बिकाऊ टट्टुओं का काम। फिर गुफा की सच्चाई क्या है? गुफा की सच्चाई तो बिल्कुल गुरुघर की तरह है, वहाँ गुरु जी सारी साध संगत को बिठाते हैं पंडाल में, अच्छी शिक्षा देते हैं, सेवा का प्रसाद देते हैं। कभी ऐसा आपने महसूस या कभी किसी से सुना हो या आपने देखा हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो माफ़ी देने का तरीका तो ये है कि जो लोग गलत काम करके वहाँ आ जाते हैं और दुखों से जूझ जाते हैं, तो जब उनको कोई रास्ता नहीं मिलता तो वहाँ आके माफ़ी लेने आते हैं कि आप हमें माफ़ कर दो। किस तरीके से देते हैं वो? बस आशीर्वाद देते हैं और ये कहते हैं कि हम भगवान से दुआ करेंगे। कभी अलग में बुलाकर कुछ ऐसा सिस्टम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी साध संगत के बीच, सत्संग के बीच बिठा कर स्टेज पर बैठ के और सबको परिवार रूप बना के, बेटे बेटियों को परिवार रूप में रख के अलग दायरे में बिठा के कि सबको माफ़ी दी जाती है और आशीर्वाद दिया जाता है कि हम भगवान से दुआ करेंगे कि वो आपके कर्मों को, बुरे कर्मों को काट दें। एक ये भी सुना गया था, ये भी काफ़ी आया था कि वहाँ पर वेश्या भी आती है, उसकी क्या सच्चाई है? उसके बारे में तो उन्होंने हमारे हिसाब से तो ऐसे ही कहा था कि वहाँ पे जो बेटियाँ जो गलत धंधे में फंसी हुई हैं, बड़े बड़े शहरों में वेश्यावृत्ति चल रही है, तो उनको सेवादार लेके आए, तो उन्हें हम अपनी बेटियां बनाएंगे और उनको अपना नाम देंगे, जिनका नाम शुभ देवी के नाम से रखा गया था। तो उन्होंने अपनी बेटी बनाया भी है बेटी, और फैमिलीज़ के हिसाब से शुभ देवियों की शादी भी की है और उन्हें अच्छी शिक्षा भी दी है, ट्रीटमेंट भी दिया है। तो उन्होंने यही कहा था कि ये बेटियाँ आगे जाके समाज का नाम रोशन करेंगी।
जो बेटी का नाम दिया वेश्या की शादी थी वो किस तरीके से की जाती थी, मतलब बंद कमरे में की जाती थी, कैसे होता था सिस्टम? नहीं, बिल्कुल सबके सामने, साथ संगत के सामने, जिनको गुरुजी ने अपना परिवार बनाया है उसके सामने, स्टेज के सामने उनकी शादी की गई है और उनको अपना नाम दिया है। इतना कुछ होने के बाद आपको क्या लगता है अब कितनी के साथ संगत या कितने के फॉलोअर्स आज गुरुजी के साथ हैं? काफ़ी हैं, कुछ लोग हैं जो अपने दिमाग से अभी सेट नहीं है, बाकी सब ठीक है, बाकी जो भी लाखों करोड़ों की अकाउंटिंग हो रही है वो सही हो रही है। कुछ लोग हैं जो समय के हिसाब से, माहौल के हिसाब से चेंज हुए हैं, बाकी सब ऐसे की वैसे। और दूसरी तरफ हम समाज की तरफ जब देखते हैं, समाज की तरफ आते हैं, आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि लड़कियों के रेप हो गए हैं, कहीं पर लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मतलब ईव टीजिंग हो रही है, रोड पे जाते लड़कियों को छेड़ दिया जाता है, इसका आपको मेन कारण क्या लगता है? मेन कारण तो जी सबसे पहले तो नशा, नशा, बेरोजगारी और गुंडागर्दी, ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए गुरुजी ने कदम उठाया था, अगर सरकार और लोग इसमें साथ दें। गुरुजी ने किस तरीके से कदम उठाया? उन्होंने तो सारी साध संगत को ऐसे मोटिवेट किया था कि सारी साध संगत और सरकार के साथ हेल्प ले कि इस सारी बुराइयों को ख़त्म किया जा सके, गुरुजी ने तो यही कहा था। बाकी मालिक जाने, जैसे उनकी मर्जी। अब 3 साल हो गए हैं उनको, हाँ जी, सोसाइटी में नहीं है, मतलब पब्लिक के बीच में वैसे सत्संग नहीं हो रहा उनका जैसे पहले होता है, क्या इफेक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर उनका समाज में नहीं रहने से? सर, सोसाइटी के अंदर नहीं रहने से ये इफेक्ट पड़ा है कि वो अगर थे तो डेली में मोटिवेट करते थे, सिखाते रहते थे अपने बच्चों को कि सेवा के लिए आगे चलो, सबका भला करो, और जो भी हैं गुंडा राज भी ख़त्म हो जाएगा, जब बेटियां खुद शिक्षित हो जाएंगी तो सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले बेटी बचाओ का अभियान उन्होंने चलाया, फिर बेटी को शिक्षा देने का अभियान चलाया, ये सब चीज़ें इन चीज़ों के साथ जुड़ी थी उन्होंने कि अगर बच्चे ही शिक्षित हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों की आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या ज़रूरत है उनकी सोसाइटी के अंदर? बिल्कुल ज़रूरत है, उनके जाने के बाद जैसे डेली में उनका मोटिवेट करना था, उस चीज़ की सभी साथ संगत को ज़रूरत है। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से तो यही मांग करेंगे कि ये जो कोरोना के हिसाब से महामारी चल रही है तो अगर उन्हें जल्दी से जल्दी लाया जा सके तो इस चीज़ का खात्मा किया जा सकता है, क्योंकि गुरुजी के इतने ज़्यादा सेवादार हैं कि अगर वो चाहें मिलके तो अब भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर मिल एकता हो जाए सबकी तो इस चीज़ का आगे हल निकाला जा सकता है, पर उसके लिए सेवादारों को गुरुजी की ज़रूरत है। जी जी जी, एक और आपसे अपील करना चाहेंगे, मतलब आप पब्लिक को क्या अपील करोगे, क्योंकि पब्लिक ने जितना भी डेरा सच्चा सौदा जा गुरुजी के बारे में जाना है, वो जितना भी उनको चैनल्स के द्वारा या मीडिया के द्वारा जितना भी कुछ दिखाया गया उसके द्वारा जाना है, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या मैसेज दोगे पब्लिक को? हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा गहराई में जाके उनको समझने की कोशिश करें और जो समय चल रहा है इसको देखें, उस हिसाब से उनको ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, जिन्होंने बताया है क्या है गुफा की सच्चाई, क्या है माफ़ी की सच्चाई, क्या है वैश्व का डेरा सच्चा सौदा में आने का सच। आप लोग सोचिए किस तरीके से लोग अपना एक्सपीरियंस, इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब तीसरी पीढ़ी अब तक ये डेरा सच्चा सौदा में जा रही है और आज भी 3 साल हो गए हैं गुरुजी इन लोगों के बीच में उस तरीके से नहीं है, फिर भी इन लोगों का जो मानना है, उनके ऊपर विश्वास है वैसा ही है, फिर भी ये लोग मांग कर रहे हैं कि वो वापस आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है और इनका मानना है कि आरोप भी जो उनके ऊपर हैं वो सब झूठे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचो, फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, सच का साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।